भूषण ज्वेलर्स। हिमाचल प्रदेश के कई ऐसे खूबसूरत पर्यटन स्थल हैं जिन्हें देखने के लिए हर साल देश विदेश से लाखों की संख्या में पर्यटक यहां पहुंचते हैं और यहां की खूबसूरत वादियों को निहारते हैं। यही कारण है कि चंबा जिला में भी कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं जिन्हें निहारने के लिए पर्यटक हर साल यहां पहुंचते हैं। बता दें कि ढलोजी, खजियार और चंबा के अनछुए पर्यटन स्थलों को देखने के लिए इस साल भी अभी तक 3 लाख से अधिक सैलानी इन खूबसूरत वादियों का दीदार कर चुके हैं। इनमें 150 से अधिक विदेशी पर्यटन भी शामिल है। हालांकि पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है और विभाग भी इसकी ओर अपने अहम कदम उठा रहा है। चंबा शहर को देखने के लिए भी पर्यटक यहां आते हैं। पर्यटकों का ये आंकड़ा आगे बढ़ने वाला है क्योंकि हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी जिलों में सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और इन खूबसूरत वादियों को निहारने के लिए सर्दियों के मौसम में पर्यटक अधिक संख्या में यहां का रुख करते हैं। अभी तक जो पर्यटन विभाग के पास आंकड़ा पहुंचा है उसमें 3 लाख तक सैलानी खूबसूरत वादियों को निहार चुके हैं और इनमें 150 से अधिक विदेशी सैलानी भी शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर जिला पर्यटन अधिकारी निशांत ठाकुर का कहना है कि चंबा जिला में अभी तक 3 लाख के करीब पर्यटक घूमने आ चुके हैं। इसके अलावा 150 के करीब विदेशी पर्यटक भी चंबा के अलग अलग स्थानों पर आए हैं। सबसे अधिक पर्यटकों की संख्या ढलोजी, खजियार और चंबा में देखने को मिली है। उन्होंने बताया कि पर्यटन सीजन शुरू हो गया है और आगे भी यह संख्या बढ़ने की उम्मीद है। इस साल लगभग 3 लाख से ज्यादा सैलानी चंबा जिले में आए हैं देश के विभिन्न भागों से और लगभग 150 विदेशी सैलानी ने भी चंबा विजिट किया है। चंबा में खासकर ये ज्यादा सैलानियों का जो रश होता है खजियार, चंबा और डलहौजी में होता है, जिसमें ज़्यादा डलहौजी और खजियार में सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है। चंबा से युद्धवीर सिंह की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।